हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए फिर से बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ सने के फूल की सब्जी, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर मैंने सने के फूल ले लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से पहले अलग कर लिया है और धो लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ जिसमें ऑयल डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच तेल डाला हुआ है। तेल हल्का सा गर्म हो जाए तब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। जीरा जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने 1 कटा हुआ प्याज लिया है। प्याज को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे। अब इसी में मैं साथ में डाल दे रही हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है इसी में और इसे साथ में अच्छी तरीके से पका लेना है। और इसका कच्चापन निकल जाएगा जब ये अच्छी तरीके से पककर तैयार हो जाएगा। तो 5 मिनट के लिए इसे ऐसे पकने देते हैं, छोड़ देते हैं इसे। तो हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरीके से पक चुका है। तो मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च। ये ज़्यादा कड़ू नहीं, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड किया है। फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया। फिर मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसाले को डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे मसाले को। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी फूल। ये सनाई के फूल काफ़ी अच्छे आते हैं, इस टाइम पे मार्केट में आ रहे हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। और ये इसे बनाना बहुत सिंपल है। जब आपको दिख रहे हो इसमें पीले फूल है, अगर ये ज़्यादा फूले हुए खिले हुए हों तो आप उन्हें हटा सकते हैं। उसके बाद जो इस तरह से बचेगा इसे अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। फिर मैं इसमें 1 कप पूरा पानी डाल दूंगी, जैसे ये अच्छी तरीके से पक जाए। तो यहाँ पर पूरा 1 कप पानी मैंने डाल दिया और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। फिर इसमें मैं डाल दूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और प्लेट से बंद कर देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। बीच में एक बार खोलकर ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर मैं देख चुकी हूँ इसे एक बार खोल, पहले मैं खोल चुकी हूँ पर मैंने इसे दोबारा खोला हुआ है। तो इसमें पानी भी है पर जो फूल है वो अच्छे तरीके से पक चुके हैं, ये 90% पक चुके हैं। तो अब मैं प्लेट को हटा दूंगी और इसे खुला ही पकने दूंगी। तो अभी इसमें पानी ज़्यादा है तो पानी को कम भी करना है, इसे जला देना है पानी को। तो गैस को हाई फ्लेम पे करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं इसका पानी जो है पूरा सोख गया है। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, पर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी और है अभी। तो मैं इसे हाई फ्लेम पे करके इसे अच्छे तरीके से पकने दूंगी थोड़ी देर और। जब ये खड़ा हो जाएगा, मतलब जो फूल है सब्जी जिसकी, ये जब अच्छे से खड़ी हो जाएगी तभी ये खाने में काफ़ी अच्छा टेस्ट देगी। तो अगर अभी आपने अभी तक कभी भी ट्राई नहीं किया तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आप पहली बार भी ट्राई कर रहे हैं तो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस को मैंने बंद कर दिया है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये नॉर्मली से हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि कैसी बनी है ये। यह आप सिंपली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो बस ज़रूर कर लेना। अगर आपने सनई के फूल की सब्जी नहीं खाई तो फिर कुछ भी नहीं खाया। और ये हरी सब्जी की सबसे अच्छी सब्जी है। आप इस टाइम पे हरी सब्जी आ रही है तो आप उससे एक ये भी रिलेटेड अब काफ़ी अच्छा है, ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो देख सकते हैं आप कि इसमें जो इसका कलर है ना काफ़ी डार्क हो जाता है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसे नॉर्मली रोटी के साथ सर्व कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अभी तक ये खाई है कि नहीं।